संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाषा विज्ञान में हम अध्ययन कर रहे हैं और भाषा विज्ञान में हम नियमों का अध्ययन कर रहे हैं, ध्वनि नियमों का। उसमें हमने ध्वनि नियमों को तीन में जान लिया था। आज हम तालव्य जो नियम है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे और तालव्य नियम ये थोड़ा सा उलझा हुआ है, इसको कई बार पढ़ने पर भी इसमें पता नहीं चल पाता अगर कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मैंने दो तीन पुस्तकों का अध्ययन करने का प्रयास किया है परंतु यहाँ पर ये निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। एक पुस्तक में तो ये कह दिया है कि तालव्य नियम को सही से अभी तक कोई निर्णित नहीं कर पाया, अर्थात तो उसको सही जान नहीं पाए कि आखिर है क्या। तालव्य नियम को सबसे पहले जो अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है, जानने का जो श्रेय जाता है, वो एक विद्वान है विलहेम थॉमसन। इन्होंने सबसे पहले तालव्य नियमों को जानने का प्रयास किया था। उसके बाद में जो दूसरे थे जोहन्स स्मिट, जोहन्स स्मिट ने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। इसमें एक नाम जो मुख्य रूप से आता है, ये परीक्षाओं में भी बहुत आता है, इसी क्रम में कालित्स नाम के एक विद्वान हुए हैं, उस नियम में इस नियम में थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा काम किया। कुछ लोगों का तो ये विश्वास हो गया था या ये मानने लगे थे कुछ लोग विद्वान जो मानते हैं कि जो कालित्स नियम ने इस पर कालित्स जी ने बहुत अच्छे से काम किया था इस नियम को जानने के लिए, इसलिए इसको कालित्स नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि कालित्स नियम किसे कहा जाता है, तो तालव्य को कालित्स नियम के नाम से भी जाना जाता है। एक और विद्वान है, सास्यूर नाम है इनका, इन्होंने भी इस पर थोड़ा सा काम किया है। अब यहां पर और चर्चा चलती है, इसमें चर्चा में ही आपको थोड़ी सी बात समझने की है और ये आप अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो विश्वास करना कि इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। मैंने 10 साल तक के पेपरों का अध्ययन किया है इस नियम को लेकर के, चार चीजें पूछता है ये मुश्किल से, वो मैं चारों चीजें यहां बताने का प्रयास करूंगा और उसी में वो आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। हालांकि इसमें बहुत बड़ा है, उलझाव है, लेकिन कोशिश करूंगा बड़े अच्छे समझाने का। तो ये चारों विद्वान हैं, इनमें जब कालित्स को माना गया है मुख्य रूप से, तो इन्हीं के नाम से इसको कालित्स नियम बना दिया। इस पर विचार करने पर एक मूल भारोपीय भाषा पर अध्ययन किया गया तो उसमें यह देखा गया कि ये इसमें माना जाता था, ये विश्वास था पहले से कि सारे वर्ण, ठीक है याद रखना इस बात को, वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन, ये स्वर और व्यंजन दोनों संस्कृत में, समझने की बात है थोड़ी यहां, संस्कृत में सुरक्षित है, ऐसा हम भी मानते हैं और दुनिया के जितने भी लोग विद्वान थे ये सब इन्होंने ऐसा ही माना कि संस्कृत में वर्ण और व्यंजन दुनिया की जो मूल भाषा थी, मूल बारोपी भाषा थी, वो संस्कृत में आज भी सुरक्षित है। लेकिन जब गहन अध्ययन किया गया तो कुछ बात और अलग से निकल के आई, वो क्या थी, व्यंजन जो थे वो तो संस्कृत में सुरक्षित थे, थोड़ा सा ध्यान देना, व्यंजन जो थे वो संस्कृत में सुरक्षित थे लेकिन स्वर ग्रीक में या लैटिन भाषा में सुरक्षित मिले। स्वर को थोड़ा ध्यान देना, और स्वर जो थे वो ग्रीक या लैटिन भाषा में सुरक्षित थे लेकिन व्यंजन जो थे वो संस्कृत भाषा में सुरक्षित थे। जब इसके अध्ययन किया गया तो कारण इन्होंने दिया है, जैसे आ है, आ को इसमें मुख्य रूप से लिया गया है, आ एक स्वर है जो संस्कृत से है,
जो ग्रीक भाषा के ए या लैटिन भाषा में ए ई और ओ ये तीन हैं जो आ का प्रतिनिधित्व करते हैं अर्थात आ को दर्शाने का काम करते हैं। जब इंग्लिश में अध्ययन करेंगे तो ये तीनों आ के ध्वनि को ही निकालते हैं, लेकिन संस्कृत में मात्र आ है। तो यहां पर ये तीन हैं, इन्हें को ह्रस्व माना गया है ना, ह्रस्व ए ह्रस्व ई ह्रस्व ओ जो हैं वो संस्कृत में आ के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक और निष्कर्ष निकाला था इन्होंने, जैसे ए या ह्रस्व मानना इसको ना, ह्रस्व ए या ओ का उच्चारण इसके स्थान पर आ का उच्चारण होता है, ए या ओ के स्थान पर आ को प्रयोग किया जाता है। ग्रीक और लैटिन भाषा में ए या ओ हो और संस्कृत भाषा में आ का प्रयोग किया गया हो तो वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, यही निकल आएगा आपका कि ये जो नियम है तालब के नियम क्या है। लेकिन जैसे ही ये ह्रस्व ई पर पहुंचते हैं तो ई के लिए जब आ का संस्कृत में प्रयोग किया जाता है या आ के लिए ई लैटिन या ग्रीक में प्रयोग किया जाता है तो जो कंठ और ओष्ठ ध्वनियां हैं, कंठ या कंठोष्ठ जो ध्वनि है उनके जो का के स्थान पर चा हो जा मिलता है और गा के स्थान पर जा मिलता है। समझ में आ रही है थोड़ी बात। जब ई के ह्रस्व ई के स्थान पर आ का प्रयोग किया जाता है, ए और ओ के स्थान पर आ का प्रयोग किया गया तो वर्ण में कोई परिवर्तन ना मिला। जैसे ही ह्रस्व ई के स्थान पर आ का प्रयोग किया गया, आ के स्थान पर ई को इस तरह से समझ लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए आप, तो क्या हुआ, जो मूल कंठ और ओष्ठ थे मूल भारतीय भाषा में वो का के स्थान पर चा और गा के स्थान पर जा में परिवर्तित हो गए। इस तरह से इसको तालब्य के नियम का नाम दिया गया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी उम्मीद कर रहा हूं। तालब्य नियम, इसको नियम को तालब्य नियम का नाम दिया गया, ठीक है। अब उम्मीद कर रहा हूं ये तालब्य नियम आपको समझ में आ गया हो। तालब्य नियम सिर्फ इतना है का के स्थान पर चा और गा के स्थान पर जा हो जाता है, लेकिन होता कैसे कैसे है ये इसमें थोड़ा सा बताया और मैं इसमें बहुत और थोड़ा सा दो तीन बातें और बताऊंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर ये पंक्ति इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए मिटा के दूसरा और थोड़ा समझाऊं इसमें। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा अब मिटाऊं, अब नीचे वाला रहने दूंगा जिससे कि आपके और अच्छे समझ में आ जाए। इसके उदाहरण देता हूं आपको थोड़े से, ये यहां तक इसका अब कोई मतलब नहीं है, इसे रहने देता हूं नीचे वाले को, ठीक है। ये ह्रस्व ध्वनियां इतना याद रखना है हमको, भूल नहीं जाना है। जब भी ह्रस्व ए और ओ के स्थान पर संस्कृत में आ का प्रयोग होगा तो कोई वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा, ह्रस्व ई के स्थान पर संस्कृत में आ का प्रयोग किया गया हो तो कंठ में और कंठोष्ठ वाली ध्वनियों को ये प्रयोग हो जाएगा तालब्य में, तो तालब्य नियम इसलिए कहलाया। अब थोड़ी सी और इसमें आगे चर्चा चले तो आपको और समझ में आ जाएगा। मूल भारोपीय भाषा में दो चीज हैं, एक है शुद्ध कंठ, ठीक है, वर्ण, और दूसरे हैं कंठोष्ठ वर्ण। इसमें देखिए का खा गा और घा है,
कंटुष्ट में क्या होता है? क्वा ख्वा ग्वा घ्वा, ये रूप हो जाते हैं। जब भी ये रूप हों, यदि इनके बाद में ये इनको जब भी यहां पर देखिए, अब ये जो चीज दिखाई दे रही है यहां पर, तो ये प्राप्त हुआ है कि यदि इनको परिवर्तित होता है, लेकिन रूप परिवर्तित होते हैं, यदि का के स्थान पर चा हो जाता है और गा के स्थान पर जा हो जाता है, तो वो इसमें कब होता है इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो यहां पर थोड़ा सा देखते चलेंगे तो बातें साफ होती चली जाएं। यदि इनके बाद में कोई परिवर्तन होता है तो क्या होगा? इन दोनों के बाद, अर्थात कंठ और कंठोष्ठ वर्ण के बाद में ई या आई, इसको तो ऐसे समझिए, ठीक है, परिवर्तन होता है तो, इसको मैंने लैटिन भाषा के रूप में प्रयोग किया है, लेकिन वैसे कौन सा होगा? ई, ई और ए, ये तालव्य ध्वनियां हैं या तालव्य स्वर हैं। यदि इनके बाद में, इन दोनों के बाद में ई, ई, ए, ये तालव्य आती हैं, तालव्य स्वर आते हैं, तब का के स्थान पर चा होगा और गा के स्थान पर जा होगा, अन्यथा की दृष्टि में इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, याद रखना है। इसलिए यहां पर यह चीज दर्शाई गई थी। तो अब आपको थोड़ी सी बातें और साफ हो जाएंगी। ये मुख्य है, इसको याद रखना है। ये ही ई बन आई है, ई, ई, ए। हम जानते हैं कि ई जो रूप बनता है वो इसी के द्वारा ही कन्वर्ट रूप होता है, संधियों में अध्ययन किया है। तो यहां पर ये आयात आपको समझ में आ गई होगी पूरी, कि जो तालव्य के जो दो हैं, बस इतना ही उदाहरण है इसके, कभी कभी ये पूछ लेता। अब इसमें तीन क्वेश्चन बन गए, पहला क्वेश्चन बन गया कि तालव्य को, और ये तीन क्वेश्चन ही आते हैं हमेशा, चौथा क्वेश्चन आता ही नहीं है, कि तालव्य को दूसरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि कालित्स नियम है। दूसरी चीज याद रखनी है कि कालित्स नियम या तालव्य नियम में क्या होता है। तो आपको याद रखना, का के स्थान पर चा और गा के स्थान पर जा होता है, और वो कौन सी स्थिति होती है, तो हमको याद रखना है, ह्रस्य ई जब आ में कन्वर्ट होता है या आ में बदला जाता है, संस्कृत में आ ई के स्थान पर आता है, तब उसमें कंठ या कंठोष्ठ में जो वर्ण दे रखे हैं कंठ वर्ण, उनमें परिवर्तन होता है, अन्यथा की दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब मैं इसके दो तीन उदाहरण दे दूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब इसको यहां मिटा देते हैं, ये हमारे पास है। जैसे किद है, कोस है, कोए, और तीसरे स्थान पर है कोस। इन तीन उदाहरणों के द्वारा आपको बातें बिल्कुल साफ समझ में आ जाएंगी। ये मूल भारूपीय शब्द हैं। एक चीज और यहां पर बताता चलूं, इसका जो संबंध है, ये जो परिवर्तन देखा गया है, ये जो परिवर्तन देखा गया है वो भारत एवं ईरानी परिवार में देखा गया है, ठीक है। तो हमें यहां याद रखना है, संस्कृत और अवेस्ता एजेद, अवेस्ता में। तो जो ये जो बात है, ये मूल भारूपीय के शब्द हैं, इनको याद रखना है। मूल भारूपीय शब्द
किद है। अब यहां किद को देखिए, हमने चर्चा की थी कि यदि कंठ या कंठोष्ट के बाद में कोई इनमें से तालब स्वर होगा तो का के स्थान पर चा और गा के स्थान पर जा होगा, अन्यथा की दृष्टि में नहीं होगा। तो यहां पर का है, का के बाद में ई है, अर्थात हमारे पास ये मौजूद है तालब ई, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। तो यहां पर हम चित बना सकते हैं, ऐसे ही इसमें चित बन जाता है। कुए है, तो कुए पूरा क्या है हमारे पास, ये वाला कुए है। अब कुए के स्थान पर ए आ रहा है वा के बाद में, तो हमारी ये ए मौजूद है यहां पर, तो इस पूरे के स्थान पर क्या बन जाएगा, क्योंकि चा इसमें मुख्य होता है, का इसमें मुख्य है, तो चा बन जाएगा। ठीक है, ये यहां पर कोस है, कोस को ओ आ रहा है, ओ के बाद में ओ आ रहा है। तो हमने अध्ययन किया था कि इनको छोड़कर के यदि, क्योंकि हमने देखा था ए ओ और ई, इन तीन मूल स्वरों का नाम क्वास बोल लो या कोस बोल लो, जो भी बोलना है इसको बोल लीजिए, आ के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। ये तीन ध्वनियां ग्रीन ग्रीक में और लैटिन में प्रयोग की जाती है आ के लिए, संस्कृत में मात्र आ का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन ए और ओ आता है तो वर्ण में अक्षर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो यहां पर ओ आ रहा है, तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे कहा का प्रयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें इतनी सी ही चर्चा है बस, आपको एक बार और देखना होगा इस वीडियो को, बिना दो बार देखे आपको ये समझ में नहीं आने वाला है, और यदि इतना नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार और बताना, क्योंकि इसमें उलझाव इतना है, एक ही शब्द पर उलझाव है। इन स्वरों को यदि आप समझ गए, केवल परिवर्तन इन्हीं स्वरों में है, अब इन्हीं से प्रभावित होकर के कुछ हमारे संस्कृत के शब्द भी हैं जो का के स्थान पर चा और गा के स्थान पर जा हो जाते हैं। जैसे कृ शब्द है, कृ धातु है, उसको चकार हो जाता है ना, गम है, गम जगाम हो जाता है, ऐसे अनेकों शब्द संस्कृत में मिल जाएंगे आपको, तो ये इसका ही प्रभाव मान सकते हैं, तालब नियम का ये प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मुख्य चीज हमको क्या याद रखनी है, मुख्य चीज याद रखनी है, और इसमें कुछ नहीं समझाने के लिए। और यदि आपको कुछ इसमें समझना हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। यहां पर बस आपको ये याद रखना है, ए और ओ यदि इन वर्णों के बाद में, इन अक्षरों के बाद में, कंठ या कंठोष्ठ के बाद में हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यदि ई हो, अब ई को यहां पर ई ई और ए, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए संस्कृत भाषा के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है, तो इनके स्थान पर का के स्थान पर चा और गा के स्थान पर जा हो जाता है। आज के लिए इतना ही, और आने वाले समय में मूर्धन्य नियम है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।